नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पाठ आठ राजा का हिस्सा। आ वार्तानी अंदर छे ए राजा भोजनी बात करवामां आवी छे। जे राजा भोज छे प्रजावत्सल होय छे अने ते हमेशा प्रजानी मदद करवा माटे तत्पर होय छे। तो जोईए आ सरस मजानी वार्ता। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे, वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। तो राजा भोज छे ए खूब ज प्रजावत्सल होय छे। ते स्वयं ए राज्यनी अंदर छे ए फरी फरी अने प्रजाओं जे छे ए मुसीबतों ने ए जुए छे अने यथाशक्ति मुजब ए एने ए मुसीबत ने दूर करवानो प्रयत्न करे छे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। एक दिवस ए राजा पोतानी पत्नी साथे रथ पर बेसी अने सवार में ए राज्यनु भ्रमण करवा निकली पड़े छे। ए पोतानी जे राजधानी छे राज्य छे तेनाथी ए खूब दूर जता रहे छे। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। तो ये जुए छे तो एक खेतर नी अंदर एक किसान हल चलावी रह्यो होय छे, परंतु ए हल नी अंदर बे बड़दनी जगह एक ज बड़द छे ए जोतरेलो होय छे अने बीजा बड़दनी जगह तेनी पत्नी हल खींचती होय छे। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। राजा भोज छे पोतानो रथ त्या थंभावी दीधो अने खेडूत पासे जई अने कहे छे कि अरे भला माणस कोई छे ए पत कोई स्त्री ऊपर आवो अत्याचार करे छे, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। अरे भला माणस कहीं छे ए स्त्री ने हल खेचवा देवातू हसे। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है, अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या, कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। खेडूत कहे छे कि मारी पासे एक ज बड़द छे, बीजा बड़द खरीदवा माटे मारी पासे पैसा नथी, जो हूँ आ खेतर खेडीश नहीं तो हूँ खाईश शू। आवु कही अने खेडूत पाछो छे हळ खेचवा लागे छे, पोतानुं कार्य करवा लागे छे। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है, खेडूत ने शू खबर के जे जेनी साथे बात करे छे ए माणस कौन छे। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजा कहे छे, अरे भाई जरा सांभर तो खरो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो, किसान ने कहा। खेडूत कहे छे के जे केवू होय ते मारी साथे चालता चालता कहो, मारू काम सु काम खोटे करो छो। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। राजा भोज तेनी साथे साथे चालवा लागे छे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। पोताना काम साथे अटलो बधो लगाव जोई अने राजा भोज तेनाथी खूब प्रभावित थया। वह बोले, राजा भोज छे कहे छे, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। राजा भोज कहे छे, अरे भला माणस हा रीते छे तारी पत्नी थाकी जशे अने ए थाकना कारणे ए बीजू पण काम काई करी शकशे नहीं। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। खेडूत कहे छे, तो तमे ज कहो के हूँ शुं करूँ। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूँ। राजा कहे छे कि तू मारी साथे चाल, मारो बड़द तने एक आपूज, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो, किसान बोला। किसान कहे छे कि त्या सुधी मारे काम छे ए खोटी थशे, एना करता तमे ज मने बीजो बड़द लावी आपो। अच्छा ऐसा करो, के छे सारू, तो एम कर, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। के छे के तू तारी पत्नी ने रथ पासे मोकल, ये मारी पत्नी पासे थी ये बीजो बड़द लई आवशे।
तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा, राजा ने कहा। राजा कहे छे त्यां सुधी हर हूँ खेचू छू। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। किसान छे आ वात उपरथी खूब ज राजी थयो, प्रसन्न थयो। राजा भोज छे ए हर खेचवा लागे छे अने खेडूतनी पत्नी छे रथ पासे जई अने ए राणी ने बधी वात बतावी दिए छे, एटले के कही दिए छे। राणी ने पूरी बात सुनकर कहा। राणीए बधी वात सांभळी अने कहे छे तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, के छे तमारो बळद तो छे ए दुबळो हशे, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, के छे ये हमारा बड़द साथे चाली सकशे नहीं, इसीलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। एटले के छे कि आ बे बड़द छे तमे लई जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। खेडूतनी पत्नी बे बड़द लई अने खेत पर पहुंचे छे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, खेडूत खूब ज राजी थयो। राजा भोज ने कहा, राजा भोज कहे छे अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। राजा भोज कहे छे बीजी कई मुसीबत हो तो छे मारी पासे आवजो। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। आवु कही अने राजा भोज छे पोतानो परिचय आपे छे कि हूँ आ नगरनो राजा छु। खेडूतने आ वातनी खबर पड़े छे ત્યારે એ ખેડૂત ખૂબ જ શરમાઈ જાય છે। ઉસને રાજા સે બાર બાર ક્ષમા માંગી। રાજા પ્રસન્ન હોકર વાપસ ચલ દિયે। એ રાજા પાસે વારંવાર માફી માગે છે। રાજા પ્રસન્ન થઈ રાજી થઈ અને ત્યાંથી ચાલ્યા જાય છે। ઉસ બાર ઉસ કિસાન કે ખેત મેં બહુત અચ્છી ફસલ આઈ। આ વખતે છે કિસાનના ખેતરની અંદર છે એ ખૂબ જ સારો એવો પાક થયો। ઉસકે આશ્ચર્ય કા ઠિકાના ન રહા, તેને એ નવાઈ પામી અને એટલું બધું આશ્ચર્ય થયું કે એનો કોઈ પાર ન રહ્યો। ઉસને દેખા કે ખેત કે જીતને હિસ્સે કો રાજા ભોજને જોતા થા ઉસમે મોતી ઉગે થે। એમણે જોયું તો જે ખેતરની અંદર રાજા ભોજે હળ ખેંચ્યું હતું એટલા ભાગની અંદર છે એ મોતી ઉગે છે। બાકી કે હિસ્સે મેં ઉમદા કિસમ કે ગેહું ઉગે થે। બાકીના ભાગમાં બધેમાં સારા એવા પ્રકારના છે, એ ઘઉં ઉત્તમ પ્રકારના ઘઉં છે એ ઉગે છે। કિસાન બહુત પ્રસન્ન હુઆ, કિસાન આનાથી ખૂબ રાજી થયો, ખેડૂત આનાથી ખૂબ રાજી થયો। કિસાનને સારે મોતી એકઠે કીએ ઓર રાજા ભોજ કે પાસ જા પહોંચા। ખેડૂતે બધા મોતી ભેગા કર્યા અને રાજા ભોજ પાસે પહોંચે છે। ઉસને સારે મોતી રાજા ભોજ કે ચરણો મેં રખ દીએ ઓર રાજા કો સારા કિસ્સા કહ સુનાયા। એમને બધાએ મોતી છે એ રાજા ભોજના છે ચરણોમાં છે રાખી દીએ છે અને આખી હકીકત છે એ સંભળાવે છે। રાજા ને કહા એ મોતી તુમ્હારે ખેત મેં ઉગે હૈ, ઇન પર તુમ્હારા હક હૈ, ઇન્હે તુમ્હી અપને અધિકાર મેં રખો। રાજા ભોજ કહે છે આ મોતી છે એ તારા ખેતરમાં ઉગ્યા છે એટલા માટે આ મોતી ઉપર તારો હક છે, આ મોતીને તું તારો અધિકાર માન। નહીં મહારાજ, યહ આપકે પરિશ્રમ કા પ્રતાપ હૈ, ઇસીલીએ મેં ઇન્હે નહીં લે જાઉંગા। મેરી મેરે મેરી પ્રાર્થના હૈ કે આપ ઇન્હે રાજકોષ મેં જમા કર લે ઓર ગરીબો કી ભલાઈ કે લિયે કામ મેં લે લે। કિસાન ને પ્રાર્થના કી। ખેડૂત વિનંતી કરતા કહે છે કે ના મહારાજ, આ તમારા પરિશ્રમના પ્રતાપે છે આ મોતી ઉગ્યા છે, એટલા માટે આને છે તમે તમારા રાજદરબારની અંદર રાખી દો, આને હું લઈ જઈ શકાઉં નહીં। મારી પ્રાર્થના છે કે તમે આ રાજ્યનો જે ખજાનો છે ખજાની અંદર જમા કરી દો અને ગરીબોના કલ્યાણ માટે છે એ વાપરજો। કિસાન કી બાત સુનકર રાજા બહુત પ્રસન્ન હુએ ઓર ઉન્હે મોતી સ્વીકાર કર લીએ। ખેડૂત છે એ ખેડૂતની વાત સાંભળી અને રાજા ભોજ છે ખૂબ રાજી થયા અને તેમણે છે એ મોતી સ્વીકારી લીધા। પાઠ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ। અસ્તુ।